करना, कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना। थैंक यू सो मच आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मैं कर रही हूँ यहाँ पे दियाबाती। और कल वाला जो ब्लॉग था जहाँ मैंने एंड किया था, वहीं से दूसरे ब्लॉग की शुरुआत की थी। यानी मैं नहाकर जैसे ही आ गई थी, चाय वाय पीने के बाद ही हम लोगों ने ब्लॉग को एंड कर दिया था। उसके बाद जी मैंने बस यहाँ पर, मैं पूजा नहीं आप सबसे कल शेयर कर पाई थी, तो बस सुबह सुबह की पूजा आज मैंने शेयर कर दी है। उसके बाद बहुत जो मैंने कपड़े धोए थे, हाथ से ही धो दिए थे, जो डेली रूटीन के होते हैं मेरे पहनने वाले, तो बस उनको मैंने आ गई थी छत पे डालने के लिए। तो जल चढ़ाने के लिए आई थी सूर्यदेव को, तो सोचा कि कपड़े भी डालती जाऊं, क्योंकि दिन में ना हमारे यहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है, तो सुबह सुबह में जो कपड़े सूख जाते हैं तो सूख जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे बन रही थी सुबह की चाय, तो बस चाय बन गई थी और हस्बैंड भी आ गए थे नहाकर। और आज मैं और हस्बैंड आपके साथ चाय पी रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो मैंने कहा भी कि ब्लॉग हो रहा है, शूट हो रहा है, तो अगर आपको शर्ट पहन ली है तो पहन लीजिए। तो वैसे कह रहे थे कोई बात नहीं है, हो रहा है तो खुद से कहते हैं तो ठीक, अच्छा भी लगता है ब्लॉग में लाना इनको। बाकी ज़बरदस्ती से मैं अगर कैमरा लगा के रख दूँ और इनका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाए तो मैं बिल्कुल कैमरा हटा देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। और अच्छा भी नहीं लगता जब कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, तो उसे ज़बरदस्ती लाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो बस जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि ये अपनी मर्जी से ब्लॉग में आए, तो बस अभी अपनी मर्जी से ही ब्लॉग में बैठे हुए हैं, ये आप सब देख ही सकते हैं। और आज कुछ सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ। और कल भी इस सवाल का, मुझे ये सवाल आया था कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं और क्या ऐसा काम है उनका जिसकी वजह से उनको इतनी सुबह जाना पड़ता है। और भी बहुत तरह के सवाल आए थे हस्बैंड को लेकर, तो बस थोड़े बहुत सवाल के जवाब मैं आज मैं आपको दूंगी। तो आप ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और चाय वाय पीने के बाद ध्रुव भी आज थोड़ा सा लेट उठा था सोकर, तो जैसे ही ये सोकर उठा था तभी मैंने पानी लगा दिया था हल्का गुनगुना होने के लिए, और इसको भी नहला दिया है। अभी गर्मियाँ हो गई हैं तो दो बार भी नहा ले रहा है, कभी कभी कपड़े भिगा लेता है, पानी वानी पीता है, तो फिर मुझे नहलाना ही पड़ता है इसे। और अच्छा भी है, रात को ना नींद अच्छी आ जाती इसको नहाकर। और अभी ये नहा लिया है, और छोटा सा जो कंबल है ये हमेशा इसके पास ही रहता है। उसके बाद जी ध्रुव सो गया है, मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आके और आज मैं बनाने वाली हूँ करेले। तो करेले किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत बहुत पसंद है, ऑल टाइम फेवरेट माई करेला रेसिपी, तो मुझे बहुत ही पसंद है करेला। किसी भी तरीके से बना दो मुझे बहुत बहुत पसंद आता है। तो बस आज मैं यहाँ बनाने वाली हूँ बिल्कुल पुराने स्टाइल में, यानी मेरी मम्मी कभी बनाया करती थी हम बहुत छोटे छोटे थे तो। और कौन कौन इस तरह से करेले बनाता है ये भी बताना। तो बस करेलों को ना मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ और काट के या भर के नहीं बना रही हूँ। वैसे तो मैंने भरने के हिसाब से करेले मंगाए थे, लेकिन वो दूसरे वाले होते हैं, छोटे छोटे जो देसी वाले करेले होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे बनते हैं भरवा। उसके बाद जी करेलों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद जितने भी बीज इसमें है ना सारे निकाल दिए हैं, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को करेले के बीज खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लगता है जैसे लकड़ी खा रहे हैं, कोई सूखी लकड़ी खा रहे हैं, तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो सब मैंने निकाल दिए हैं और अच्छे से निकाल दूँगी ताकि कोई बीज मुँह में ना आए। और करेले को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद बीज सारे निकाल दिए हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 बड़े चम्मच भर भर के नमक, और नमक को अच्छे से मिक्स करना है इसमें। और आप चाहो तो इस स्टेज पे इसको नमक डाल के उबाल भी सकते हो, लेकिन मैं उबाल नहीं रही हूँ, मैंने सिर्फ नमक ऐड करके इसमें और रख दिया है अभी आधे एक घंटे के लिए। तब तक यहाँ पर ये कुछ सामान लेकर आए थे तो वो मैंने लगा दिया है, और ले आए हैं साथ में धनिया और सौंफ। और वैसे तो मैं सौंफ धनिया मैंने इसीलिए आया था ताकि मैं भरवा करेले बनाऊंगी, लेकिन करेले वो वाले मिले नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि सौंफ धनिया भी काफ़ी सारा ले आए हैं, तो चलो घर का ही पीस के मसाला रख दूंगी और बाद में अचार वचार बनाएंगे ना, अभी आम वाले सीजन आने वाले हैं अचार वाला, तो वही मैं बना लूंगी, उसी में ऐड कर दूंगी। और रसोई में भी वैसे भी मुझे काम आता रहता है, तो कुछ साबुत बचा लिए थे मैंने, कुछ पीस लिए थे।
और ध्रुव अभी सोया हुआ है, तब तक ये करेले की सब्जी भी मैं बना के रख लेती हूँ। तो करेलों को मैंने अच्छे से 5-6 बार पानी में धोया है ताकि जितना भी नमक मैंने इसमें ऐड किया था वो सारा नमक निकल जाए। और करेलों में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ती है प्याज। प्याज अगर अच्छी क्वांटिटी में होगी तो करेले की सब्ज़ी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यमी लगेगी। तो बस यहाँ पर मैंने काट लिए हैं 5-6 बड़े बड़े साइज़ के प्याज। उसके बाद ऐड कर दिया है ऑयल में जीरा, हींग और ये लहसुन है, तो लहसुन को मैंने कूट करके ले लिया था और अलग से भून लिया है। उसके बाद यहाँ पे हरा मिर्च और ये जो ऑनियन मैंने चॉप करके रखा हुआ था उसको ऐड कर दे रही हूँ अभी ऑयल में। और इसको हाफ़ फ्राई करूँगी, यानी पूरे अच्छे तरीके से फ्राई नहीं करूँगी, हाफ़। जब तक ये फ्राई नहीं होगी गोल्डन गोल्डन तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। और देखिए ऑनियन जो है वो बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई थी, उसके बाद ही मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें करेले। और करेलों को आप सब पहले भी डीप फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने कम ऑयल की वजह से, यानी ऑयल कम लगे उसकी वजह से मैंने ऑनियन को पहले भूना है, उसके बाद मैंने करेले ऐड किए हैं। और बस अभी धीमी धीमी आँच पर इसे 5-10 मिनट के लिए भूनने के लिए छोड़ दूँगी, और ज़्यादा नहीं भूनूँगी, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना मैं भून लेती हूँ इसको। और अब मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें सारे मसाले, और ये रेड चिली पाउडर है, साथ में धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम डालूँगी इसमें खटाई पाउडर, और कुछ लोग इसमें अचार भी डालते हैं, कच्चे आम भी डालते हैं, तो कच्चे आम मेरे पास था नहीं, तो उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें खटाई पाउडर। थोड़ा सा हल्दी डाला है क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि बिना हल्दी का खाना कभी नहीं बनाना चाहिए, और जब घर में कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तभी हमारे यहाँ बिना हल्दी का खाना बनता है। और हमेशा खाने में अगर आप बिना हल्दी की भी डिश बना रहे हैं तो थोड़ा सा हल्दी उसमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। और बस मैंने सारे मसाले जो भी मेरे पास थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और अभी ये धीमी धीमी आंच पे अब पकते रहेंगे। और बहुत ही बिल्कुल स्लो कर दिया है मैंने आंच को। और मसालों को मैंने ज़्यादा धूप नहीं लगाई थी, बस हल्की सी धूप लगा के इनको पीस लिया है, बिकॉज अभी गर्मी का सीज़न है तो वैसे ही मसाले सूखे आते हैं, तो बस थोड़ा सा सूखा के इनको पीस लिया है, पाउडर बना लिया है, और सौंफ को थोड़ा दरदरा पीसा है। उसके बाद जी अभी लंच कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया था लंच का। और आज करेले की सब्ज़ी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, हमारे गाँव में ये कभी किसी टाइम पर बना करती थी, पानी के हाथ की रोटी और इस तरह के करेले। और मेरी मम्मी अचार भी बनाती थी इसी तरह से करेले का, बहुत टेस्टी लगता था, और हम लोग खिचड़ी के साथ, तहरी के साथ खाते थे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बस दूसरे ब्लॉग की कर रही थी तैयारी, तो पहले सोचा जो नेक्स्ट मतलब पिछला ब्लॉग है उसको एंडिंग कर देती हूँ, क्योंकि मैं रात को ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, ध्रुव बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। उसके बाद जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, दोनों सो रहे हैं, तो सोचा आप सबसे थोड़ी बहुत बात करके और ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो जी मुझे सवाल आया था रात भी एक सिस्टर का, और इससे पहले भी बहुत टाइम बार मतलब कई बार ये सवाल मेरे पास आ चुका है चैनल पर कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, मैं जो मॉर्निंग रूटीन डालती हूँ ना अपने, उसमें मैं ज़रूर हस्बैंड का जो होता है सुबह का ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह जो भी मैं उन्हें देती हूँ वो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि वो जा चुके हैं या ये जा रहे हैं। तो बस आप सबके थोड़े से ये सवाल रहते हैं कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं उनसे खुद कहना चाह रही थी कि आप, मैंने कहा भी उनसे कि आप खुद आके कैमरे के सामने बताइए कि आप क्या काम करते हैं, बिकॉज क्या होता है हम किसी के भी काम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो क्या काम करता है। सेम वही चीज़ मेरे हस्बैंड के वर्क में भी है, और कोई ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन या सर्विसमैन मेरे हस्बैंड नहीं हैं, बस छोटा सा उनका एक बिजनेस है, तो बस मैं बता रही हूँ आप सभी को। और क्या बिजनेस है ये बताना थोड़ा मुश्किल, मतलब बताना मुश्किल नहीं है लेकिन समझाना थोड़ा मुश्किल है आप सबको, क्योंकि उनका जो काम है वो सिर्फ सीज़न का काम होता है, 4-5 महीने लगभग चलता है वो काम। और इनकी खुद की गाड़ी है जो होता है बड़ा ट्रक डंपर जो भी होता है,
तो बस उसको हैंडल करना होता है। और जो भी इनका काम होता है क्रेशर वगैरह का, माल लेके जाना, लेके आना, पहुंचाना इधर से उधर, बस ये सारे काम इनके होते हैं। बाकी इस काम में ना मैं आप सबको बता दे रही हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत है। बहुत सुबह के जाके शाम को जब ये घर आते हैं तो आपको सबको पता होगा अभी क्या टाइम चल रहा है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूल वगैरह, धूल मिट्टी, ये सारी चीज़ों से मेरे हस्बैंड को फेस करना पड़ता है। और हर दिन, और कभी कभी तो ऐसा होता है रात में किसी भी टाइम पे इन्हें जाना पड़ जाता है। तो इनके काम का कोई फिक्स नहीं है कि इनको सुबह ही जाना है या शाम को ही जाना है, कभी भी ये चले जाते हैं और कभी भी आ जाते हैं, ऐसा इनका काम है। कोई फिक्स टाइमिंग वाला काम नहीं है, बिकॉज जब ये इनका सीज़न का काम चलता है तब इनका प्रॉपर टाइमिंग वाला ही होता है। इनको सुबह ही निकलना होता है, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी कभी ये 3 बजे भी चले जाते हैं। तो बस ये वाला जो रूटीन होता है अभी जो चल रहा है, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बाकी के दिनों में अभी बारिश शुरू होने वाली है तो इनका काम बंद हो जाएगा, उसके बाद बस ऐसे ही थोड़ा बहुत अपना इधर उधर रहते हैं, काम देखते हैं, गाड़ी वाड़ी संभलवाते हैं, ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। और लॉकडाउन में हमारे साथ बहुत बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे यूट्यूब पर आना पड़ा। मेरी फाइनेंस कंडीशन शुरू से ही ख़राब है, और इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। और कहते हैं कि जब भी आपको अपनी कंडीशन ख़राब लगे तो हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों के बारे में हम सोचेंगे ना, तो हमें अपनी स्थिति काफ़ी बेहतर लगेगी। तो बस यही शुक्रिया, यही शुक्रगुजार मैं मालिक से करती रहती हूँ कि हमें जो लाइफ दी है गॉड, बहुत बहुत अच्छी दी है, हम खुश हैं। बस मेहनत करना आना चाहिए, फल तो अपने आप ही मिलता है। तो बस यही था कि हस्बैंड का सीजन का काम है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना थोड़ा बहुत बिज़ी हो जाऊं, क्योंकि मुझे बिज़ी रहना बचपन से ही पसंद था। खैर छोड़ो, उस चीज़ को मैं कभी फिर अपने इंट्रो में लेकर आऊँगी कि मैं क्यों यूट्यूब पर आई हूँ और क्या रीज़न रहा है मेरे यूट्यूब पर आने का, किसी ने मुझे सपोर्ट किया या नहीं किया, क्यों नहीं किया और क्या क्या मैंने कुछ नहीं सहा यूट्यूब पर आने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, और आप सबके सवाल भी आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आप सबको जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था, खुशी, खुशी नाम है उनका, तो कि दीदी आप वॉइस कैसे रिकॉर्ड करते हो, बैकग्राउंड वॉइस कैसे रिकॉर्ड करते हो कि आपका शोर शराबा नहीं आता है। तो आप यूट्यूब पे मनोज डे भैया हैं, दीपक भैया हैं, उनके आप वीडियोस देख लेना, एडिटिंग में उन्होंने बहुत कुछ बताया है। अगर आप वीडियो काइंड मास्टर में एडिट करती हैं तो उसमें क्या होता है, आपको वीडियो को सिलेक्ट करके वीडियो का जो ऑडियो होता है उसको डिलीट करना होगा, उसके बाद आपको अपना ऑडियो उसमें भरना है। मतलब जो आप बोलना चाहती हैं वो बैकग्राउंड जो भी होता है उसमें बैकग्राउंड ऑडियो म्यूज़िक होता है, शोर शराबा इधर का, घर की काम वाम के जो भी शोर शराबे होते हैं वो सारे डिलीट हो जाते हैं, उसके बाद उसे आप एक अपनी वॉइस दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। और मैं ये चीज़ अपने चैनल पे वैसे नहीं बताना चाहती क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन आपने पूछा इतना तो मैंने बता दिया। बाकी आप भैया की, उनकी वीडियो देख लेना, टैग पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि आप अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को कैसे डिलीट करें, या फिर जो वॉइस आपके ब्लॉग में भर जाती है शोर शराबे की उसको आप कैसे डिलीट करते हो, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे, मिलूंगी आप सबसे कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इसी तरह से हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। और आप सबके प्यार सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप चैनल पर हमेशा इसी तरह से प्यार बरसाते रहना, कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना। आप सब मेरी फैमिली हो, मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, सो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार सपोर्ट मुझे देने के लिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, लव यू।